मिस्टर क्लीन के नाम से मशहूर डॉक्टर समित शर्मा ने जलदाय विभाग की छवि सुधारने का बीड़ा उठा है। समित शर्मा एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। नवाचार के लिए अपनी पहचान रखने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर समित शर्मा ने अब जलदाय विभाग की कमान संभालते ही नई पहल शुरू कर दी है। समित शर्मा ने जलदाय विभाग में 2 दिवसीय साफ सफाई अभियान की शुरुआत की, जिसकी कमान खुद जलदाय विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने संभाल रखी। उनके निर्देश पर जल भवन ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर के दफ्तरों में साफ सफाई का अभियान चलाया गया। समित शर्मा छुट्टी के दिन भी जल भवन पहुंचे और कूड़ा कचरा गंदगी को हटाने के लिए फावड़ा झाड़ू और परात लेकर जुट गए। साथ ही विभाग के कर्मचारियों ने भी हाथों में झाड़ू था। इस दौरान सबसे ज्यादा खिंचाई चीफ इंजीनियर्स की थी। समित शर्मा बार बार ये कहते देखे गए कि सभी कमरे चीफ इंजीनियर्स जैसे साफ सुथरे दिखाई दे तो पूरा विभाग स्वच्छ हो जाएगा। बता दें कि प्रशासन का जिम्मा राकेश लुहाड़िया के पास है तो मुख्यालय केजी गुप्ता के पास है, लेकिन दोनों ही चीफ इंजीनियर के दफ्तरों में ज्यादा गंदगी दिखाई दी। वही समित शर्मा ने सफाई के बाद कर्मचारियों का हौसला बढ़ाकर शाबाशी दी और ट्रॉफी खिलाकर मुंह मीठा कराया। डॉक्टर समित शर्मा का कहना है कि जलदाय विभाग को स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारा लक्ष्य है। इस पूरे अभियान पर पहली नजर रखी है हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा। जलदाय विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने अनूठी पहल की है। उन्होंने प्रदेश में जलदाय विभाग के जितने भी दफ्तर हैं वहाँ पे विशेष सफाई अभियान चलाने का फैसला किया है। शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन जलदाय विभाग का जो हेडक्वार्टर है जल भवन, वहाँ पे एक अलग उत्साह है। उत्साह इसलिए है कि विभाग के मुखिया डॉक्टर समित शर्मा ने अभियान चलाया है साफ सफाई का, और तमाम जो अधिकारी है और कर्मचारी वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान में जुटे हुए हैं। अभियान में जिन्होंने मदद की है, साफ़ सफाई की है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि अब ट्रॉफी देकर उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा काम था, एक शुरुआत है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो फाइलों का ढेर जलदाय विभाग में नज़र आता है, फर्नीचर जो कबाड़ के रूप में आ नज़र आते हैं, उनको साफ सफाई करने के लिए एक कदम उठाया है। डॉक्टर समित शर्मा खुद हर एक कमरे में जाकर यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ का सफाई का काम देख रहे हैं कि किस तरह से साफ सफाई यहाँ पे हो रही है और किस तरह से आगे ज़रूरत है इस विभाग की छवि को सुधारने के लिए। और ये जो तस्वीरें हैं वो जल भवन की, जहाँ पे देख पा रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो डॉक्टर समित शर्मा के साथ जुटे हैं, उनका कंधे से कंधे मिलाकर साथ देने के लिए सफाई अभियान चलाने के लिए। और जब साफ सफाई हुई है उसके बाद देख भी रहे हैं कि कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है और कहाँ क्या अभी ज़रूरत है। अभी भी ये जो फाइल के जो बस्ते हैं, शायद इनकी जो छवि है सरकारी विभाग की, वो ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। चूँकि खुद डॉक्टर भी है तो इनको पता है कि इस गंदगी का कितना बुरा असर हो सकता है, किस तरह कोई स्वस्थ कर्मचारी है वो बीमार हो सकता है, और किस तरह से ज़रूरत है उस जगह को साफ सुथरा रखने के लिए जहां पर बैठकर वो काम करते हैं। तमाम जो दफ्तर है वहां का वो निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम दफ्तरों को वो देख रहे हैं। डॉक्टर समित शर्मा है, उन्होंने उत्साहवर्धन यहाँ पर किया है। वो तस्वीर जो है वही हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह तमाम जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनसे मुलाकात यहाँ पे हो रही है और उनको ट्रॉफी देकर यहाँ पे आप देख सकते हैं पंखे चमकाए जा रहे हैं, केबिन चमकाए जा रहे हैं, जो अब तक धूल यहाँ जमी थी उस धूल को हटाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तमाम जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो इस काम में जुटे हैं। आप इनको मजदूर ना समझे, ये तमाम जलदाय विभाग के कर्मचारी हैं, स्टाफ है, वो अपनी उस जगह को साफ करने में जुटे हैं जहाँ पे बैठ के काम करते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि लगातार जो सफाई अभियान है यहाँ पे किस तरह से चल रहा है। जो कचरा था उस कचरे को भी हटा के लगातार साफ सफाई यहाँ पे की जा रही है। हालांकि पहली बार जो ये काम किया जा रहा है इसमें जलदाय विभाग के खुद के जो संसाधन उनसे काम किया जा रहा है, और जब आगे इस कदम को आगे बढ़ाया जाएगा, क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, तो कुछ अलग यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलेगा, ये हमें दिखता है। नवाचार जो है
करने के लिए प्रसिद्ध है। मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते समीर शर्मा, और मिस्टर क्लीन ने अब जलदाय विभाग को क्लीन करने का जिम्मा उठाया है। सभी जी नवाचार के लिए जाने जाते हैं, मिस्टर क्लीन कहलाते हैं। आज जलदाय विभाग को क्लीन करने का मुद्दा उठाया है, कुछ दो लाइन बोलिए आप, दो लाइन बोलिए, तो कर्मचारी उत्साह बढ़े उससे और लोग भी आपसे प्रेरणा लेके कुछ उन विभागों को भी सही किया जा सके। देखिए ऑफिस मैनेजमेंट की जो जैपनीज टेक्निक है जिसको 5S टेक्निक कहते हैं, उसी के जो पहले दो चरण है, पहला है जो अनावश्यक सामान है उसको कार्यस्थल से हटाना जी, और दूसरा है कार्यस्थल को सुव्यवस्थित करना जी। तो उसी पे सभी लोग जो जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर से एडिशनल चीफ इंजीनियर से MD साहब हैं, सभी लोग मिलकर के और स्वेच्छा से ये श्रमदान का कार्यक्रम आज रखा है। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ कोई आपने मजदूर नहीं बुलाया, कर्मचारी जुटे हैं, अधिकारी जुटे हैं, आप जुटे हैं, आपका सिर देख पा रहे हैं हम, धूल में सना हुआ। हमारी बैठने की जगह है तो हमें ही अच्छी करनी है इसको। ये एक्चुअली अगर ये सारा काम होना है तो किसी को लीडरशिप रोल अज्यूम करना पड़ेगा, और जब तक लीडरशिप रोल नहीं आएगा तो टीम फॉलो नहीं करती है, तो बहुत जरूरी है। तो आज यहाँ भी चीफ इंजीनियर साहब हैं, इनके जो साथी अधिकारी हैं, राजस्थान भर में सभी कार्यालयों में ये विशेष अभियान चल रहा है जिससे हमारे कार्यस्थल स्वच्छ और सुव्यवस्थित हो सके। धन्यवाद। अभियान अभी चल रहा है, आगे चलेगा, और आगे चलेगा अभियान, और आगे चलेगा समित जी है? ये इनको पूरे व्यवस्थित कराएंगे जिससे कि जो आगंतुक हैं वो जो जब आते हैं कार्यालयों में अपने समस्या समाधान के लिए तो आराम से बैठ सके, अधिकारीगण हैं कर्मचारीगण हैं वो भी अच्छे मन से अपनी सेवाएं हैं वो प्रदान कर सके, है ना। बिल्कुल, तो इस तरह का जो अभियान है वो आगे भी चलेगा डॉक्टर समीर शर्मा का कहना है, और उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों का साथ इसलिए लिया कि उनका कहना है कि वो हमारे खुद के बैठने की जगह है, हम खुद यहाँ पर काम करते हैं। तो अब आए एक शुरुआत है, अगले चरण में इसी तरह से जलदाय विभाग के अन्य दफ्तरों में यह अभियान चलेगा और कोशिश की जाएगी कि जल्द ही इस विभाग की छवि सुधरे, साफ छवि के लिए जलदाय विभाग जाना जाए। कैमरामैन तीर्थ के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।